नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के बस स्टैंड के समीप बीती रात ताला बंद दुकान में जंगला काट कर चोरों ने पुलिस चौकी से महज 100 कदम की दूरी पर चोरी की घटना को दिया अंजाम। नकदी एवं कीमती सामान चुरा कर फरार हुए चोर व्यापार मंडल के पद अधिकारियों में घटना को लेकर रोष व्याप्त। वहीं पुलिस चौकी के सामने चोरों द्वारा की गई इस घटना को लेकर पुलिस पर उठाए सवालिया निशान। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। क्या हुआ है आपके यहाँ? जब मैं सुबह आया तो मैंने अपना शटर खोला तो देखा मेरा दुकान का सामान बिखरा पड़ा हुआ है, और फिर मेरी निगाह गई कि दुकान अच्छी तरह मैंने बंद की थी कि फैला कैसे। फिर मैंने पड़ोसी को बताया कि मेरी चोरी हो गई है, पीछे जाके देखा, उन्होंने देखा जंगला टूटा हुआ था, और फिर मैंने देखा तो अपने सारा सामान फैला पड़ा और कैश मेरा निकला हुआ। जहाँ जहाँ मैं पैसा क्या क्या चोरी हुई है आपकी? मेरा कैश चला गया करीब 7,500 रुपये, और सामान चला गया, बड़े बड़े जिपर चले गए, बड़े बड़े जिपर थे, सील बंद पैकेट थे, और पूरा गल्ला साफ था, और जहाँ मैं कैश रखता था वो भी कैश मेरा गायब था। और मंडल का अध्यक्ष हूँ, और अध्यक्ष होने के नाते ये जितने भी व्यापारी सुभाष तराय से कंपनी बाग चौराहे तक ये व्यापारी हैं, सब हमारी कमेटी में आते हैं। सुबह मेरे पास फोन आया कि मेरी दुकान में एक चोरी हो गई है। मैंने उनसे पूछा कहाँ पर, तो ये बस स्टैंड के बगल में राजू वर्मा जी हैं जिनकी पान की दुकान है। मालूम पड़ा कि उनकी चोरी हुई है, पीछे से सेंध लगाकर बहुत सारी कैश और सामान यहाँ से ले गए हैं। कुछ यहाँ पर लड़के हैं जो अपराधी किस्म के हैं, भीख मांगते हैं, और आए दिन ये जो चलम वगैरह पीते हैं, जो पाउडर वगैरह लगा के, उन्हीं लोगों का ये काम है। आए दिन यहाँ बस स्टैंड में घटनाएं होती रही हैं, लेकिन परसों भी एक बैग उठाता मोबाइल आए दिन चोरी होते रहते हैं। कई बार पुलिस सभागार में हम व्यापारियों की बैठक होती है, बुलाई जाती है, हमने वहाँ कई बार लिखित में बस स्टैंड पर पुलिस पिकेट की मांग की है, कई बार लिखित में भी दिया है, कई बार हमने कहा भी है, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रशासन की ओर से कोई न कार्रवाई होती है, न कोई मांग को सुना जाता है। एक बार फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हम फिर मांग करते हैं कि यहाँ पर एक पिकेट लगाया जाए और पूरी तरीके से व्यवस्था की जाए।